भेरू जी भेरू जी भटका करे दिन में सो सो बार बाकाने सीधा करे मारा वारे नानू पंडित जी ने एक भजन लिख के दिया, उसकी ध्रुव पंक्ति मैं अपने अनुसार जोड़ देता हूं, बाकी वाला भजन थोड़ा अच्छा लगेगा। अरे बेकुंठ धाम रामिंदर माही बांध्यो रे हिंडो डो, आपकी तालियों के साथ मैं इस भजन को गाना चाहता हूं। अरे भेरू जी रामिंदर माही, पीछे तक एक बार हाथों को उठा ले जो सच्चे मन से बैठे हैं। भेरू जी रामिंदर माही बांध्यो रे हिंडोलो, वैकुंठ धाम रामिंदर माही बांध्यो रे हिंडोलो, बांध्यो रे हिंडोलो, लख तो आवे ने लख जावे बोरा। अरे बेकुंठ धाम रामिंदर माही बांध्यो रे हिंडोलो, बेकुंठ धाम रामिंदर माही बांध्यो रे हिंडोलो, बांध्यो रे चकडोलो, लख तो आवे ने लख जावे बोरा। पर चारो अरे पर चारो पार कोनी पर चारो पार कोनी आवे भेरुनाथ, आवे भेरुनाथ मनी रे घणो हरीशावे बोरा। अरे बेकुंठ धाम देखा मारो मने हरिशावे, बेकुंठ धाम देखा मने हरिशावे, मने हरिशावे परिचारो पार कोनी मारा ना। बेकुंठ धाम देखा मने हरिशावे, मने हरिशावे पर चारो पार कोनी आवे भेरुना। थारो मारो मिलन ऐसो लागे रे भेरू जी मारा, बहुत सुंदर दो पंक्तियां आप सभी लोगों की पसंद से प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं सेवक तू मात भवानी मारी, आयो मैं दरिबार माता जी, थारो मारो मिलन ऐसो लागे री माता जी मारा दिया। और बाती, और बाती, और बाती।
धरती बैकुंठनाथ जी रे पालनिया बंधावे, बैकुंठनाथ जी रे पालनिया बंधावे, पालनिया बंधावे भगतारा काज। बैकुंठनाथ जी रे पालनिया बंधावे, बैकुंठनाथ जी रे पालनिया बंधावे, पालनिया बंधावे बांझणिया री गोद भरावे भेरूना। बैकुंठनाथ जी रे पालनिया बंधावे, पालनिया बंधावे अरे बांझिया री गोद भरावे भेरूना। देखिए मैंने तो उनके दर्शन नहीं किए, शायद किए, स्वर्गीय कन्यालाल जी के जीवन के बारे में आप में से बहुत सारे लोग परिचित होंगे। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे आते हैं जिनका भगवान से, देवी देवताओं से, शक्तियों से सीधा मिलन होता है। उनकी उनको देवियों का, देवताओं का, शक्ति का उनको ऐसा वरदान होता है कि यदि वो किसी से, अपने मुंह से यदि किसी को कह दे कि तुम ठीक हो जाओगे, तो उनको माता जी को उस व्यक्ति को ठीक करना पड़ता है, भैरू जी को उस व्यक्ति को ठीक करना पड़ता है। ऐसे ही वक्तों में श्री कन्हैयालाल जी जांगिड़ थे, उदयपुर में भी उनकी प्रतिमा सजी है, वहां पर भी इसी प्रकार का बैकुंठ धाम सजा हुआ है। और एक भक्त ने पर्चा दिया, इसलिए उस भक्त का मन का ऐसा भाव हो गया कि यहाँ पर भैरव जी का स्थान होना चाहिए। कन्हैयालाल जी के जीवन के बारे में कि यहाँ पर कोई भी भक्त आता था और यदि कन्हैयालाल जी भैरव जी से यदि उसके बारे में विनती करते थे तो भैरव जी महाराज को उसके सारी बीमारियाँ, उसका कोई भी रोग ठीक करना होता था। ऐसी कृपा भैरव जी महाराज की उन पर थी। तो नानू जी ने लिखा, अरे मिर्गी दा झोला मेटे पंगू ने चलावे, मिर्गी दा झोला मेटे पंगू ने चलावे, मिर्गी दा झोला मेटे पंगू ने चलावे संकट दूरी भगावे भेरूना। मिर्गी दा झोला मेटे पंगू ने चला, तालियों के साथ में, अरे मिर्गी दा झोला मेटे पंगू ने चलावे, मिर्गी दा झोला मेटे पंगू ने चलावे संकट दूरी भगावे भेरूना।
अरे दूरा रे दूरा राया तेरी चरणा में आवे, दूरा रे देशा राया तेरी चरणा में आवे, चरणा में आवे, चरणा में आवे, जगमग ज्योति जगावे बोला। दूरा रे देशा रा दूरा रे दूरा खाया तेरी चरणा में आवे, दूरा रे देशारा भगत चरणा में आवे, जगमग ज्योति जगावे बोरा। अरे नानू पंडित भेरू जी री महिमा सुनावे, नानू पंडित भेरू जी री महिमा सुनावे, महिमा सुनावे, चैन सुख जस गावे, चरणा आवे भेरू ना। नानू पंडित भेरू जीरा महिमा सुनावे, महिमा सुनावे, चैन सुख गुण गावे, चरणा आवे भेरू ना। बेकुंठ धाम देख्या मनि हरि शावे, मनि हरि शावे, अरे परिचारो पार कोनी धारो भेरुना, परिचारो पार कोनी आवे भेरुना, परिचारो पार कोनी पायो भेरुना, परिचारो पार कोनी पायो भेरू ना।